मिस्टरियन, एक एग्जाम्पलर का अच्छा डाउट है हेलो एल्केन और हेलो एरिन टॉपिक से, हेलो फार्म टेस्ट से रिलेटेड। आप इस क्वेश्चन को देखें, विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CO CH3 रिएजेंट्स दिए हुए हैं और ये कन्वर्ट हो रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 COOH। ऑप्शंस हैं टॉलेंस रिएजेंट, बेंजोइल पराक्साइड, आयोडीन एंड NaOH। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि किस पार्ट में चेंज हो रहा है। हम रिएक्टेंट पार्ट को देखें तो इसमें हमको फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है CO और साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और जब हम प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो चेंज हो चुका है COOH में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम तमाम तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी अप्रोच इस तरह के क्वेश्चन में जहां कन्वर्जन हो रहा हो और आपको रिएजेंट दिए हुए हो, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप रिएजेंट को लेकर के रिएक्शन के बारे में सोचें। अब इस रिएक्शन को आप देख रहे हैं, CO ग्रुप का कन्वर्जन है, रिएजेंट है टॉलेंस रिएजेंट, बेंजोइल पराक्साइड, I2 एंड NaOH। हमको पता है कि टॉलेंस रिएजेंट से CO ग्रुप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, निगेटिव रिस्पॉन्स आता है, तो यह आंसर नहीं हो सकता है, ए हमने एलिमिनेट कर दिया। बेंजोइल पराक्साइड ये फ्री रेडिकल प्रोसेस से इनिशिएट रिएक्शन को जनरली गवर्न करता है या इपॉक्सीडेशन टाइप के रिएक्शन का, इसका भी यहां कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो भी इलिमिनेट हो गया। हम श्योर हो गए कि करेक्ट ऑप्शन हमारा सी, I2 और NaOH ही होगा। अब हम इसको इसके करस्पॉन्डिंग टेस्ट से देख लें। हम सबको पता है हेलो फॉर्म टेस्ट के बारे में, CH3CO कंटेनिंग एल्डिहाइड, CH3CO कंटेनिंग कीटोन, CH3CHOH टाइप एल्कोहल, इनको जब हम हेलोजन और एल्कली के साथ रखते हैं तो इसमें जो CH3 वाला पार्ट है वो करस्पॉन्डेंट चेंज हो जाता है हेलो फार्म में CHX3 में। हमारे इस दिए गए क्वेश्चन में जो COCH3 वाला पार्ट है इसमें यहाँ पे CH3 ये कन्वर्ट होके इलिमिनेट हो गया है, ये CH3 चेंज हो गया है CHX3 में, और जो CO ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे C, I2 और NaOH होगा। थैंक यू।